यार बहुत कमाल की चीज है, क्योंकि 2013 में, उससे लोअर वर्जन में हम लोग इसके लिए एक्सेस का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उस एक्सेस के इस्तेमाल को हटा के यहाँ पे रख दिया गया है। अब क्या है रिलेशनशिप, चलिए इसके बारे में हम बताते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक डेटा, यहाँ हमारे पास एक डेटा है, इस डेटा में सेल्स का सेल्स आईडी वगैरह है, प्रोडक्ट है। अब मैं क्या करता हूँ कि प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को यहाँ से कॉपी करता हूँ और एक अगली शीट में पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ यहाँ मैं डेटा मेनू बार में जाके रिमूव डुप्लीकेट कर देता हूँ, सॉरी रिमूव डुप्लीकेट करता हूँ ताकि डुप्लीकेट रिमूव हो जाए। एक ही को करना था रिमूव। ठीक है, तो ये हमारे पास डेटा है और इसमें मैंने प्रोडक्ट आईडी, मतलब कि पीआईडी जो है डाल दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7। और डेटा में हम प्रोडक्ट नेम और एमआरपी को हटा देते हैं, अमाउंट भी हटा देते हैं, मान लीजिए हटा दिया हमने। और यहाँ पे प्रोडक्ट के जगह पे मैं यहाँ पे पी आई डी ले लेता हूँ और यहाँ रैन बिटवीन 1 to 7 डाल देता हूँ। अब मैं अगर नॉर्मल पिवट टेबल लगाऊं तो मुझे अगले शीट में, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो 3 है, यहाँ हमारे डेटा में 3 डाला हुआ है, 3 की इंफॉर्मेशन यहाँ पे है कि 3 सीआरटी है और इसकी एमआरपी 820 है। तो मुझे अगर सीआरटी के भी आपसे चाहिए, मतलब कि प्रोडक्ट नेम की भी आपसे चाहिए, तो जनरली वी लुकअप लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा डेटा 2 केसेस में है। तो यहाँ पे हम रिलेशनशिप पिवट का इस्तेमाल करते हैं। तो नॉर्मली आपके पास एक या दो टेबल है और जस्ट समरी निकालना चाहते हैं, कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं, तो उस केस में आप पिवट टेबल पे क्लिक करें और क्लिक करते यहाँ पे देखिए ऐड दिस डेटा टू डेटा मॉडल, इस पे क्लिक करके ओके करें। तो आपकी एक थोड़ा तो सा टाइम लेगा फर्स्ट टाइम, पिवट इसने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे हम वापस प्रोडक्ट वाले जो है सीट उस पे भी जाते हैं और उस पे भी हम पिवट टेबल बनाते हैं और यहाँ पे ऐड डेटा टू डेटा मॉडल पे क्लिक किया एंड ओके कर दिया। तो दोनों डेटा हमारे डेटा मॉडल, मतलब कि पिवट टेबल के बैक साइड में इंक्लूड हो गए हैं। और जैसे आप रिलेशन यहाँ पे दो डेटा को ऐड करेंगे डेटा मॉडल में, आपका यहाँ रिलेशनशिप एक्टिवेट हो जाएगा। इस रिलेशनशिप को पे क्लिक कीजिए, हमने न्यू पे क्लिक किया, हमने बोला कि रेंज 1, मतलब यहाँ क्या था, डेटा को रेंज समझ लिया और पीआर को रेंज 1, ऐसे जैसे सीक्वेंस में इसमें ऐड करोगे उस तरह से नाम है जानता जाएगा। इसका पीआईडी, और हमने यहाँ पे लिखा रेंज 1 का पीआईडी बोथ आर द इक्वल एंड ओके कर दिया गया। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्रिएट हो गया। अब देखिए यहाँ ऑल आपको दिख रहा होगा, ऑल में मैंने यहां से क्वांटिटी लिया और रेंज से हमने यहाँ पे प्रोडक्ट ले लिया और आपके पास ये देखिए प्रोडक्ट का टोटल बना हुआ है। ठीक है सर, समझ में आया आप लोगों को? मिलन जी बाकी लोग जो है, रिलेशनशिप अप्लाई करना समझ में आ गया? हाँ गया सर। बट प्रॉब्लम है कि आपने देखा कि डेटा मॉडल जो है काफी ज्यादा ऐड करना पड़ा, दो अलग अलग पिवट हमें बनाने ही पड़े, और दूसरी चीज ये पिवट के अंदर हम कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते क्योंकि कैलकुलेशन हाइड है। जैसे मैं चाहता हूँ क्वांटिटी और एमआरपी मल्टीप्लाई होके यहाँ पे टोटल आ जाए। और दूसरी चीज है, मान लीजिए कि 3 4 5 सीट होगा तो उसमें हर सीट में डेटा ऐड करना तो दिक्कत हो जाएगी, मॉडल डेटा मॉडल में उतना सीट जनरेट होगा, उतना पिवट जनरेट होगा। तो उस केस में हम यूज करते हैं अपना पावर पिवट।
अब बोला कि सर मेरे सिस्टम में तो पावर पिवट नहीं है, आपके पास ऑफिस 3016 एंड 13 16 19 है, तो आप एक्सेल ऑप्शन में जाएंगे और इसके एडिंस पे आएंगे, एक ही बार करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेल एडिंस की जगह पे कॉब एडिंस को चेक कीजिए एंड ओके कीजिए, और यहां से देखिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पिवट फॉर एक्सेल 2013 को क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करके ओके करेंगे आपके पास पावर पिवट का टैब यहाँ आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि यहाँ ये मैनेज जो होता है पावर पिवट का, इस मैनेज को ओपन करना है। इस मैनेज को ओपन करेंगे तो एक्सेल जैसी एक सीट टाइप का खुल के आ जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए एक ही सीट है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे एक भी सीट नहीं है, तो मैंने क्या किया, अपने डेटा को सिलेक्ट किया, अब मैं इस पे पिवट नहीं लगा रहा हूँ। देखिए पावर पिवट में ऐड टू डेटा मॉडल बाय डिफॉल्ट आ रहा है। इस ऐड टू डेटा मॉडल में गया और ध्यान रखिएगा माई डेटा हैज ए हीडर पे क्लिक करना आप नहीं भूलिएगा। तो माई डेटा हैज ए हीडर पे क्लिक किया एंड ओके किया, ये डेटा यहां पर आ गया। उसके बाद दूसरे डेटा के लिए, जो दूसरा डेटा है हमारे पास, इसके लिए इस पे जाते हैं, दूसरे सीट पे जाते हैं, दूसरे सीट पे गए और यहां भी हमने यहां पावर पिवट में ऐड डेटा टू डेटा बोला और माय डेटा हैज ए हीडर को सिलेक्ट करके अब दोनों सीट यहां बन चुके हैं, आ चुके हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में किसी तरह का रिलेशन नहीं हुआ है। तो इसमें रिलेशन, इसमें और भी टेबल है तो और भी यहाँ ऐड कर सकते हैं आप। और जैसे यहाँ डायग्राम व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको टेबल व्यू आ जाएगा जैसे एक्सेस में आता है, और फिर आपको इसको लिंक करने के लिए, लिंक करने के लिए आपको क्या करना है, इसकी पीआईडी को उठाना है और इस पीआईडी को उठा के टेबल टू के पीआईडी पे जस्ट ड्रॉप कर देना है, तो रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा। ऐसे और भी होंगे तो और भी इसी तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। मैं ऊपर वापस डेटा व्यू में आता हूं। अब मुझे कैलकुलेशन करना है, इसकी एमआरपी को अपने यहाँ पे लुकअप करके मल्टीप्लाई वगैरह करना है, और चीज हम पिवट के बैक एंड साइड में करना चाहते हैं। एक सेकंड होल्ड कीजिए। Sorry. एक कॉल आज था, तो यहाँ हम ऐड कॉलन में यहाँ हम लिखते हैं एमआरपी, एक नया कॉलन जैसे एक्सेल में होता है ना, ऐसे यहाँ पे हमने कर दिया। ये पिवट के बैक साइड में होगा, ये तो अभी दिख रहा है, ये कट हो जाएगा, पिवट के बैक साइड में चला जाएगा। और यहाँ पे मैं इस सीट से चाहिए तो इसके लिए रिलेटेड का फॉर्मूला होता है, रिलेटेड, और मुझे टेबल टू की एमआरपी चाहिए एमआरपी, और हमने एंटर मारा तो इस प्रोडक्ट आईडी के बिहार पे जितने भी एमआरपी थे वो सारे आ गए। अब जो भी अब देखिए यहाँ यहाँ पे जो पिवट में तो कैलकुलेशन कर रहे थे तो दिक्कत हो रहा था, यहाँ पे अपने मर्जी से कुछ भी कैलकुलेशन कर सकते हो।
जैसे यहाँ पे हमने अमाउंट दे दिया और मैं दोनों का आपस में मल्टीप्लाई चाहता हूं, तो इक्वल हमने इसको इसमें सेलेक्ट नहीं होता, माफ कीजिए, इसको लिखना ही पड़ेगा। इसमें है क्वांटिटी की टू आई क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई एमआरपी। अब इसमें एमआरपी टेबल टू एमआरपी नहीं होगा, सिर्फ एमआरपी होगा, और मल्टीप्लाई कीजिए, आ गया। इसी तरह से और भी कैलकुलेशन जो है आप कर सकते हैं। जब आपका फाइनल हो जाए तो ऊपर यहाँ आपको पिवट टेबल दिख रहा है, इस पिवट टेबल पे चले जाइए और जहां न्यू शीट पे या इसी शीट पे जहां लगाना है उसको सिलेक्ट कीजिए एंड ओके कीजिए, आपका पिवट लग जाएगा। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ रेवेन्यू निकालना, तो मैं यहाँ से अमाउंट को यहाँ रखूंगा और यहाँ हम प्रोडक्ट को यहाँ रखेंगे। तो पावर पिवट का इस्तेमाल इस चीज के लिए करते हैं। तो यहाँ पे पावर पिवट आपका पास है जिसमें रिलेशनशिप हो गया, इसमें फाइंड करना हो गया और ये बहुत सारी चीजें हैं। मान लीजिए एक्सेल ही नहीं, आपको अदर सोर्स से लिंक करना है तो आप अदर सोर्स से भी लिंक कर सकते हैं। इसके बारे में हम आगे भी बताएंगे क्योंकि अभी फिलहाल तो हमने पावर पिवट की बात की है, ठीक है। इसमें डेट टेबल वगैरह जो है आप इसे ये देखिए एस डेटा है, तो इसको मैं मार्क एज डेट टेबल करके ओके करता हूँ। अच्छा इसमें डुप्लीकेट वैल्यू है इसलिए नहीं होगा, डुप्लीकेट वगैरह देखिए याद रखिए रिलेशनशिप करने के लिए हाई चाहिए, तो इसको एक बार आप एनालाइज कीजिए, ठीक है सर। लेकिन वही होगा 13-16 होना चाहिए तभी होगा, तो इसको एनालाइज कर लीजिए फिर जो होगा बताइएगा, क्योंकि हम पिवट टेबल आपका खत्म कर चुके हैं। यहाँ पे आपका पिवट टेबल खत्म होता है, लेकिन पिवट टेबल में से रिपोर्ट्स बनाने खत्म नहीं होते हैं, तो क्योंकि पिवट टेबल से जब रिपोर्ट बनाएंगे थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसके लिए हम कल तो रामनवमी है तो कल इसके लिए हम कोई क्लास नहीं रखते हैं, लेकिन परसों संडे को आफ्टरनून में या मॉर्निंग में या हाँ आफ्टरनून मॉर्निंग में ही हम एक एक्स्ट्रा क्लासेस रखेंगे, अगर आप लोगों के पास टाइम हो आप लोग ज्वाइन कर सके तो।